सर ये मेन एंट्रेंस है, 20 फीट विड्थ होगी इसकी। यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक वेलकम स्टैंडी प्लेस कर देंगे। ये शोरूम के लिए एंट्री हो गई, इस पाथ से गेस्ट एंट्री करेंगे। ये एक ग्लास का एंट्री गेट है, इसको भी बलून से डेकोरेट करेंगे, जो कि चेकलिस्ट में नहीं है, एडिशनल वर्क होगा। यहाँ से गेस्ट एंट्री करेगा और यहाँ पे इनका वेलकम लाउंज है गेस्ट के लिए, और यहाँ पर वेट करेंगे। ये इनका पैसेज हो गया इवेंट प्लेस के लिए, सीधे चलेंगे। ये आपका पैसेज है, इससे गेस्ट इवेंट प्लेस के लिए एंट्री करेंगे। ये गेट है लगभग 3.5 फीट चौड़ा, 6.5 फीट हाइट। इसको भी अगर हम बलून से डेकोरेट करेंगे तो ये भी एडिशनल वर्क में काउंट होगा। ये आपका ये इवेंट के लिए जहाँ पे प्लेस है वो है, इसकी एक्चुअल साइज है 65 और 20, ये 40 के आसपास की विड्थ है। ये कुछ कच्चे एरिया है जो कि कवर करना पड़ेगा रेड कारपेट से, 20x80 के आसपास ये एरिया कवर करना पड़ेगा रेड कारपेट से। रूम प्लेस हो गया, सामने यहाँ पर हम लोग अपना सेटअप प्लेस करेंगे। 8x10 का एक प्लेटफॉर्म रहेगा और 8x10 का आपका बैकड्रॉप रहेगा, और यहाँ पे एक स्टैंड ही प्लेस करेंगे। साउंड सिस्टम रहेगा, यहाँ पे आपकी जो जेसीबी खड़ी होंगी जो कि फ्लावर से डेकोरेट की जाएंगी, फ्लावर और बलून से। ये एरिया आपका गेस्ट के लिए हो जाएगा। अभी यहाँ पे जेसीबी खड़ी है, बाद में ये रिप्लेस हो जाएंगी, हट जाएंगी। 6 तारीख की शाम को ये सब हटा देंगे बोल रहे हैं, 7 को सुबह हम लोग इवेंट करेंगे। यहाँ पे रेड कारपेट लग जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है, 15x20 का जो रेड कारपेट रिक्वायर है उसके अनुसार यहाँ पे उतना कारपेट बिछा देंगे इवेंट के एरिया को कवर करने के लिए।